बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बर्ड्स के अंदर एवोल्यूशनरी प्रेशर्स को देखेंगे। हम देख सकते हैं कि जो बर्ड्स हैं उसके अंदर फ्लाइट के लिए अडेप्टेशंस हैं, लाइक एंडोथर्मी होती है, फेदर्स होते हैं, एक्यूट सेंसेस होती हैं, बहुत अच्छी सी वेल डेवलप सेंसेस होती हैं इनकी। मैंने जिक्र किया था कोऑर्डिनेशन का, सेंसरी कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी होती है, वो भी फ्लाइट के लिए ज़रूरी है। लॉन्ग फ्लेक्सिबल नेक होती है बेटे इनके अंदर, और इसके अलावा लाइट वेट बोन्स होती हैं जो कि ज़रूरी होती हैं फॉर परफेक्ट फ्लाइट। अब हम देख लेते हैं बेटे कुछ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड लोकोमोशन के बारे में। जो इनकी कवरिंग होती है फेदर्स की इनकी बॉडी के ऊपर बर्ड्स के अंदर, उसको हम प्ल्यूमेज बोलते हैं। और जो फेदर्स हैं, इनके दो प्राइमरी रोल्स होते हैं फ्लाइट के अंदर। वैसे तो बहुत सारे होते हैं लेकिन फ्लाइट के रेफरेंस से दो प्राइमरी रोल्स हैं। एक रोल तो ये है कि ये सरफेस प्रोवाइड करती है फॉर अपलिफ्ट एंड स्टीयरिंग, यानी कि मुड़ने में अपने डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करती है। और चूंकि ये स्मूथ सरफेस बनाती है, इसकी ऊपर से एयर आराम से स्लिप होकर गुजर जाती है, तो फ्रिक्शन कम करती है, तो आपके पास फ्लाइट सरफेस प्रोवाइड करती है। सेकंड वन, बॉडी को गर्म रखती है, और जो हीट अप होती है बॉडी बर्ड की ड्यूरिंग द फ्लाइट, उसको ठंडा होने से रोकती है। तो एंडोथर्मिक मेंटेनेंस के अंदर इसका बहुत ज़्यादा रोल है, जो कि हाई मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन रखने में हेल्प आउट करती है। और इसके अलावा और भी इसके रोल्स होते हैं, लाइक कोर्टशिप के अंदर इसका रोल है, इंक्यूबेशन के अंदर इसका रोल होता है, और वाटर प्रूफिंग के अंदर। जो फेदर्स की डेवलपमेंट का पैटर्न है वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि स्केल की डेवलपमेंट का पैटर्न होता है रेप्टाइल्स के अंदर। इससे भी जाहिर होता है कि आपके पास इन दोनों की ओरिजिन जो है ना वो सेम थी, यानी बर्ड्स और जो रेप्टाइल्स हैं उनके अंदर कोई एंसेस्ट्री का टाइप का कनेक्शन मौजूद है, यानी एवोल्यूशनरी टाइज दोनों के दरमियान पाए जाते हैं। और अगर आप इसके इनर पल्प को देखें फेदर्स के, तो सिर्फ उसमें आपको डर्मल एलिमेंट्स मिलेंगे, लाइक ब्लड वेसल्स मिलेंगी आपको जो कि न्यूट्रिएंट सप्लाई करेगा, और पिगमेंट भी सप्लाई करेगा फॉर ग्रोइंग फैदर, यानी जो फैदर ग्रो कर रहे हैं उनके लिए ब्लड जो है वो उनको न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करेगा बढ़ते हुए परों को। और साथ में, क्योंकि आपको पता है कलर्स डिफरेंट होते हैं फैदर्स के, तो फैदर्स को पिगमेंट भी ब्लड से ही मिल रहा है। तो जैसे जैसे फैदर जो है वो मेच्योर होते जाते हैं, ब्लड सप्लाई जो है कट ऑफ हो जाती है, और फैदर डेड हो जाते हैं, केराटिनाइज हो जाते हैं, एपिडर्मल स्ट्रक्चर से बन के रह जाते हैं, और जो कि सिर्फ एपिडर्मल इन्वेजिनेशन जो स्किन्स की होती हैं अपर पार्ट के अंदर, जिनको हम फॉलिकल्स कहते हैं, सिर्फ उसमें वो मौजूद होते हैं। अब जो जिक्र करूँगी नेक्स्ट, वो फैदर्स की डिफरेंट टाइप्स हैं, लाइक आपके पास कंटोर फैदर्स को देख लेते हैं। मोस्ट ऑब्वियस फैदर्स कंटोर फैदर्स होते हैं, जो कि पूरी बॉडी को कवर करते हैं, विंग्स को कवर करते हैं और टेल को कवर करते हैं। कंटोर फैदर्स बेसिकली उसके अंदर एक वेन सी होती है, जिसके अंदर इनर और आउटर एक जाल सा फैला होता है, जो कि सपोर्टिव शाफ्ट के ऊपर मौजूद होता है। और फेदर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, लंबी लंबी जो स्ट्रिप्स होती हैं उनको बार्ब्स कहते हैं, और वो ब्रांचिंग की फॉर्म में, एक बार्ब की बहुत सारी ब्रांचिंग होंगी शाफ्ट के ऊपर, और वो बर्ब्यूल्स के ऊपर होंगे, और बर्ब्यूल्स जो हैं वो ब्रांच ऑफ होकर बार्ब्स बनाएंगे। अब जो बार्ब्स होती हैं, ये मैं फिगर में जब एक्सप्लेन करूँगी तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। जो बार्ब्स होती हैं वो एडजस्टमेंट बार्ब्स के साथ इंटरलॉक कर लेती हैं, और हुक लाइक हिमालय के साथ वो लॉक हो जाती हैं, और आपके पास इंटरलॉकिंग बार्ब्स जो हैं वो एक कंटोर फेदर प्रोड्यूस करती है, जो कि बहुत फर्म और स्मूथ होता है। और इस तरह के जो फेदर्स हैं ये आपकी टेल के, बर्ड की टेल के विंग और बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होंगे। और भी तरह के फेदर्स होते हैं, लाइक डाउन फेदर्स हैं, और आपके पास फिलो प्ल्यूम फेदर्स हैं, जिनको हम पिन फेदर्स भी कहते हैं। तो ये तीन टाइप्स हो गई हैं, कंटोर फेदर्स, डाउन फेदर्स एंड फिलोप्ल्यूम फेदर्स। तो आपके पास जो डाउन फेदर्स हैं ये आपके पास इंसुलेशन का काम कर रहे हैं, को इंसुलेटिंग फेदर्स भी कहते हैं, और जो पिन फेदर्स हैं ये आपके पास सेंसरी फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। अब जो बर्ड्स हैं उनके अंदर ये बहुत ज़्यादा आपने देखा भी होगा, परिंदों वगैरह को, मुर्गियों वगैरह को, कि वो बार बार अपनी चोंच से अपने परों की सफाई कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्रीनिंग, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे जुएं वगैरह भी पड़ सकती हैं, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे इंसेक्ट्स वगैरह भी हो सकते हैं, पैरासाइट्स भी हो सकते हैं, तो वो अपने फेदर्स के अंदर से गंदगी वगैरह साफ करते रहते हैं, जिसको हम प्रीनिंग कहते हैं। प्रीनिंग कैसे होती है कि सिंपली क्या करते हैं, अपनी जो बिल या चोंच होती है उसको रगड़ते हैं अपने फेदर्स में, और फेदर्स को स्मूथ रखते हैं, क्लीन रखते हैं, और अपनी जगह पे रखते हैं, बिखरे हुए आपको नहीं लगेंगे इनके फेदर्स। और इसमें जो हेमुलाई थी जिसके वो इंटरलॉकिंग थी, वो डिसलॉज भी हो जाती है, और दोबारा से इसको रीहुक भी कर देते हैं। कभी आपके पास अगर आपको पर जमा करने का शौक हो बचपन में, या वैसे भी, या मोर के भी पर अक्सर लोग रखते हैं अपने पास, तो आपने देखा होगा कि वो उसको अगर आप बैक एंड के ऊपर, पर्स की जो एंड है वहाँ से शुरू होकर आप बैक एंड के ऊपर फोल्ड करें, तो वो बिल्कुल अजीब सा बिखरा हुआ, जैसे बाल अजीब से बिखरे हुए होते हैं, उस तरीके का हो जाएगा, अलग अलग हो जाएंगे पर।
ठीक है। लेकिन अगर आप उसको नीचे शेफ्ट से पकड़ के ऊपर तक लेके आओ और सही तरीके से प्रेस करो तो वो दोबारा से हेमिलाई जो होते हैं वो इंटरलॉक हो जाते हैं और बड़ा एक स्मूथ सा प्यारा सा एक सरफेस आपको मिलेगा। तो ये सेम लाइक दैट इस दौरान जब भी प्रिनिंग कर रहे होते हैं ताकि वो लुक्स वो जो लॉक स्ट्रक्चर है वो खुल जाए, ओपन हो जाए और उसमें से गन वगैरह निकल जाए, पैरासाइट्स निकल जाए और दोबारा से इसको फिर ये बंद भी कर देते हैं। और इस दौरान जो सिक्रीशंस होती हैं डिफरेंट किस्म की, जो कि इनकी ऑयल ग्लैंड जो कि टेल के खासकर जो टेल होती है जानवरों की उसकी बैक पे प्रेजेंट होते हैं ऑयल ग्लैंड, वहाँ में से ड्यूरिंग प्रीनिंग चोंच के साथ ही वो ऑयलिंग भी होती रहती है इनकी, ठीक है, फेदर्स की ऊपर, और जिसकी वजह से वो वाटर रिपेलेंट भी रहता है और बड़ा स्मूथ सपल भी रहता है इनके जो पर होते हैं वो ऑयलिंग की वजह से। और सिक्रीशंस जो हैं वो लुब्रिकेट करती हैं चोंच को भी और टांगों को भी, ठीक है, चैफ्टिंग से आपके पास प्रिवेंट करती हैं। इसके अलावा एंटिंग एक बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमिन है कि ये चींटियाँ जो अक्सर सॉन्ग बर्ड्स होते हैं चहचहाने वाले, वो चींटियों को पकड़ के अपनी चोंच में और वो उनको पूरा रगड़ते हैं, रब करते हैं फैदर्स के ऊपर। आपको पता है चींटियों के अंदर एसिड होता है जिसको हम फॉर्मिक एसिड कहते हैं, तो फॉर्मिक एसिड जब वो रगड़ते हैं अपने बालों के ऊपर तो जो जुएं वगैरह होती हैं या टिक्स एंड माइट्स होते हैं उनके परों में जो उनका खून चूस रहे होते हैं, तो वो उस एसिड की वजह से वो वहाँ से हट जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने देखे कितनी समझ दी है इन बर्ड्स वगैरह को भी। अब हम फेदर पिगमेंट्स की बात कर लेते हैं। जो फेदर पिगमेंट्स होते हैं बेटे, ये आपके पास डेवलपमेंट के दौरान डिपॉजिट हुए थे जो कि ब्लड से थे उसके, वो उसको बेसिक कलर देते हैं इसका जो फेदर्स का होता है बर्ड्स प्ल्यूमेज का। और कलर्स भी होते हैं जिनको हम स्ट्रक्चरल कलर्स बोलते हैं, ठीक है। तो जो स्ट्रक्चरल कलर्स आपके पास होंगे ये आप देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चरल कलर्स, ठीक है। स्ट्रक्चरल कलर्स जो है वो आपके पास कैसे आपको नज़र आते हैं, बेसिकली वो इररेगुलरिटीज़ होती हैं सरफेस ऑफ द फेदर के ऊपर जिसकी वजह से लाइट के अंदर क्या हो जाती है आपके पास डिफ्रैक्शन शो होना शुरू हो जाती है। तो लाइट डिफरेंट वेज के अंदर डायफ्रैक्ट होती है, आपने फिजिक्स में ये फिनोमेना पढ़ा होगा। लाइक जो ब्लू फेदर्स आपको नज़र आते हैं वो कभी भी ब्लू नहीं होते हैं, वो ब्लू पिगमेंट की वजह से नहीं होते बल्कि एक पोरस नॉन पिगमेंटेड आउटर लेयर होती है बाब्स की जो कि रिफ्लेक्ट करती है ब्लू वेव लेंथ, जिसकी वजह से हमें वो ब्लू नज़र आते हैं। इसके अलावा जो दूसरी वेव लेंथ होती हैं वो बाब्स के अंदर चली जाती हैं, अब्जॉर्ब हो जाती हैं डार्क पिगमेंट जो मेलानिन मौजूद होता है उसके अंदर, और इररेडियंस रिजल्ट यानी जो शाइन रिजल्ट होती है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की वजह से वो आपके पास फ्लैटन कर देती है बाय फ्लैटनिंग एंड ट्विस्टिंग बाब्यूल्स, क्योंकि बाब्यूल्स फ्लैट होते हैं और ट्विस्ट हो रहे होते हैं, इसकी वजह से एक लाइट इधर से आ रही होती है, एक तो आपको एक चमकता हुआ अजीब सी आपको लेयर्स नज़र आएंगी उसमें, ठीक है। और एग्जांपल है रेडियंस की आपके पास इंटरचेंजिंग कलर्स, यानी कि आपको रंग बदलते हुए नज़र आएंगे, कभी वो ब्लू नज़र आएंगे कभी येलो कभी ग्रीन, इस तरीके से, ठीक है। ये आपको अक्सर हमिंग बर्ड्स वगैरह या ग्रैकल्स की गर्दन के ऊपर वो शाइन जब जैसे पड़ती है ना तो वो बहुत सारे कलर्स रेनबो की तरह चेंज होते हुए नज़र आते हैं वहाँ पर। तो ये कलर पैटर्न जो हैं हमिंग बर्ड्स वगैरह में आपको उनकी गर्दन पर अक्सर नज़र आ जाएंगे। कलर पैटर्न जो हैं ये क्रिप्टिक कलरेशन और स्पीशी जो स्पीशी वेरी करते हैं, और इसके क्रिप्टिक कलरेशन आपने पढ़ी हुई है क्या होती है, सेक्स रिकग्निशन में भी हेल्प आउट करते हैं और सेक्सुअल अट्रैक्शन का भी बायस बनते हैं। अब जो मैच्योर फेदर्स होते हैं वो आपके पास टाइम टू टाइम जो है ना वो शेड होते रहते हैं, जैसे मोल्टिंग थी ना आपने पढ़ी थी इसमें रेप्टाइल्स में, तो यहाँ पे भी सेम होता है कि मैच्योर फेदर्स जो हैं वो कॉन्स्टेंटली, जाहिर सी बात है, वियर एंड टीयर टूटते रहते हैं और भी रफ एंड टफ हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनको पीरियडिकली चेंज करना पड़ता है और इस प्रोसेस को मोल्टिंग कहते हैं। और टाइमिंग जो मोल्टिंग की है वो वेरी करती है डिफरेंट टैक्सा के अंदर, और टिपिकल मोल्टिंग पैटर्न जो है वो सॉन्ग बर्ड्स का आफ्टर हैचिंग, जब वो हैच हो जाती है अंडे में से निकल जाती है चिक, तो वहाँ पे वो इस कवर्ड डाउन, ठीक है, उसके अंदर जब कवर्ड हो जाता है तो जुवेनाइल फेदर रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है, द डाउन। शुरू में जब चूज़ा भी निकलता है हमने देखा है वो उसका बड़े फर अजीब सी होती है, ठीक है, मखमल की तरह, उसको हम डाउन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जुवेनाइल फेदर्स आना शुरू हो जाते हैं ऐसा, तो चूज़ा चूज़ा जब बड़ा होता है, चिक जब बड़ा होता है, ठीक है, उसके थोड़े पर निकलना शुरू हो जाते हैं और जिसको हम जुवेनाइल मोल्ट कहते हैं। इसके बाद फिर एक और मोल्ट आती है जिसको हम पोस्ट जुवेनाइल मोल्ट कहते हैं, जिसके अंदर जब बाल गिरते हैं तो उसके नतीजे में उस टाइम जो इनका पोस्ट जुवेनाइल प्लूमेज जो है ना वो आपके पास चेंज हो जाता है जब वो एडल्ट में कन्वर्ट होते हैं, तो ठीक है। तो आपने देख लिया इसमें जुवेनाइल आपके पास मोल्टिंग आ गई, पोस्ट जुवेनाइल आ गई, और जब इनकी सेक्सुअल मेच्योरिटी अटेन कर लेते हैं ये, ठीक है, उस टाइम पे इनकी एक और मोल्ट होती है जिसको हम कहते हैं प्रीनुप्शियल मोल्ट।
फिर न्यूपचल मोल्ड जो होती है ये मोस्टली समर के विंटर के आखिर में और बहार के शुरू में होती है, और मोस्टली ब्रीडिंग सीजन का जब आगाज़ होता है उस टाइम पे इनकी पर तब्दील हो रहे होते हैं। पोस्ट न्यूपचल मोल्ड जो है ये तकरीबन आपके पास जुलाई और अक्टूबर के दरमियान में भी होती है, और इसके अलावा फ्लाइट फैदर्स जो हैं वो फ्रीक्वेंटली इनके लॉस्ट होते रहते हैं, और लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी भी परिंदा मुकम्मल उड़ ना पाए, परिंदा उड़ने के काबिल फिर भी होता है, लेकिन कुछ जो बर्ड्स हैं लाइक डक्स हो गई, कूट्स हो गई या रेल्स हो गई वो फ्लाई नहीं कर सकती हैं इस दौरान, और वो छुप जाती हैं, अपने आप को छुपा लेती हैं जो मार्श वगैरह की जो ग्रासेस होती है ना, जहाँ पे दलदली इलाके होते हैं वहाँ की जो ग्रासेस है उसमें। अभी इंग्लिश में मैंने आपको ओपन विंडो पढ़ाया था, उसके अंदर भी आपने देखा था कि जब वो शिकार करने जाता था जाते थे भाई और उसका हस्बैंड जो मिसेस सैपलटन का, तो वो बता रहे थे कि उन दिनों के अंदर वो दलदली इलाकों में क्यों जाते थे, क्योंकि ये जो बर्ड्स हैं ये उन दलदली इलाकों में घास में छुप जाते हैं क्योंकि इनकी मोल्टिंग हो रही होती है। तो यू कैन ईजीली रिलेट इट विद दैट। तो अभी आते हैं बेटे फिगर की तरफ, जिसमें मैं जो आपको मैंने जल्दी से गो थ्रू हुई थी बार्ब्स बार्ब्यूल्स और शैफ्ट का, तो जब आप वो समझ लोगे फिगर तो आपको वो सारे जो फेदर्स की स्ट्रक्चर्स हैं और वो उसका जो प्रॉपर सरफेस बनता है वो समझ आ जाएगा। लेट्स मूव टू दैट फिगर जी। तो बेटे यहाँ पे फिगर देख लेते हैं, सबसे पहले 21.3 को देख लेते हैं, जिसमें फॉर्मेशन ऑफ बर्ड फेदर्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट दिखाया गया है। इसमें फिगर ए आप देख रहे हैं, इसमें आपको डर्मिस शो की है नीचे ये, और फिर आप एपिडर्मिस देख सकते हैं, ये पूरी लेयर एपिडर्मिस है ब्लू कलर की, मैंने आपको हाईलाइट कर दी है। अब क्या होता है कि फेदर फॉलिकल यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है, ऊपर आपको डेवलपिंग फेदर, तो आप ये देख सकते हैं कि ये यहाँ से डेवलपिंग फेदर डेवलप होकर बाहर निकल रहा है एज एन आउट ग्रोथ, और ये जो आपको थोड़ा सा एरिया डिप्रेशन वाला नज़र आ रहा है गड़ा टाइप सा, ये क्या कहलाता है, जिसमें से एपिडर्मिस का वो पोर्शन जिसमें से फेदर इवॉल्व होकर निकल रहा है, इसको हम क्या कह रहे हैं, फेदर फॉलिकल। इसी की फिगर बी की तरफ आ जाइए, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके ऊपर एक शीट सी मौजूद होगी, शीट जिसको कहते हैं कॉर्निफाइड शीट जिसको बोलते हैं, और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपको फ्यूचर बाब्स जो ग्रीन कलर की अभी हैं वो नज़र आएंगे, जैसे बंद कली होती है उसके ऊपर छिलका सा होता है, उसके अंदर आप देखें तो पत्तियाँ होती हैं ना पेटल्स, बिल्कुल सेम लाइक दैट। और यहाँ से आप देख सकते हैं ब्लड वेसल्स को ब्लड सप्लाई कर रहा है शुरू में जब ये ग्रो कर रहा होगा, उसके बाद इसका कनेक्शन जब ये मेच्योर हो जाता है कनेक्शन ब्लड सप्लाई का ख़त्म हो जाता है, और ब्लड सप्लाई और क्या कर रहा था, न्यूट्रिएंट भी तो प्रोवाइड कर ही रहा था उसको ग्रो करने के लिए, और क्या कर रहा था जी बिल्कुल पिगमेंट प्रोवाइड कर रहा था। अब आते हैं बेटे नेक्स्ट फिगर की तरफ 21.4, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपको फेदर दिखाया हुआ है, ए फिगर को देख लीजिए, ए के अंदर ये ब्लू कलर का जो आपको नज़र आ रहा है दिस इज क्विल, ठीक है, क्विल या कलम, इस पुराने ज़माने में लोग इसको एज अ राइटिंग पेन भी इस्तेमाल करते थे। अच्छा फिर उसके बाद ऊपर आपको क्या नज़र आ रहा है, ये ब्लैक कलर की जो मैंने लाइन शो की है दिस इज कॉल्ड शैफ्ट या रेकस, शैफ्ट या रेकस, नीचे क्विल था ऊपर शैफ्ट या रेकस हो गया। अब इसके साथ से अब आपको बहुत सारी साइड वाइज ब्रांचिंग निकलती हुई नज़र आ रही हैं, ठीक है, ये क्यूमुलस कैलमुलस हो गया, कैलमस एंड शैफ्ट रेकस हो गया, ठीक है जी। अब हम देख लेते हैं बेटे ये ग्रीन कलर का जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इस ब्लैक कलर की शैफ्ट के अंदर से बहुत सारी लाइंस निकलेंगी, इनको हम क्या बोलते हैं बेटे, बाब्स। यहाँ पे मैंने अगली फिगर में इसको बड़ा करके दिखा रहे हैं, और यहाँ पे मैंने इसको येलो कलर की लाइन से मैंने शो की हुई है बाब्स, ठीक है, और दरमियान में आपके पास जो बड़ा वाला होगा मिड में वो आपको पता है क्या है, शैफ्ट है, ठीक है, ये मोटा सा आपको जो नज़र आ रहा है येलो कलर जिसमें से निकल रही है ना उसकी मोटी सी जो आपको नज़र आ रही है पिंक कलर की मिड सी, दैट इज़ कॉल्ड शैफ्ट या रेकस, उसमें से येलो कलर की जो मैंने हाईलाइट्स की हैं दैट इज़ बाब्स। अब इन्हीं बाब्स के अंदर से आपके पास स्काई ब्लू कलर की ब्रांचिंग निकलेगी, ठीक है, जो मैंने यहाँ, वैसे तो वहाँ एक ही कलर होगा लेकिन मैं आपको आपको सिर्फ समझाने के लिए इसको डिफरेंट कलर्स दे रही हूँ, ठीक है। तो मेन क्या है आपके पास, शैफ्ट, शैफ्ट में से क्या निकली है, बाब्स, और बाब्स के अंदर से मजीद ब्रांचिंग होकर क्या निकल रही है, बार्ब्यूल्स, ठीक है, ये आपको बार्ब्यूल्स नज़र आ रहे हैं। अब इसको मजीद बड़ा करें अगर हम इसको हाई जूम करके देखें तो आपको ये मैं यही चीज़ें दिखा रही हूँ, देखें ये बार्ब्यूल्स हैं जो कि स्काई ग्रीन कलर की हैं, ठीक है, डिफरेंट बार्ब्यूल्स हैं, और इनकी एंडिंग जो होगी उसके ऊपर हुक से बने हुए होंगे जिसको हम हेम्यूलस बोलते हैं, बार्ब्यूल्स के एंड्स जो हैं वो हुक नुमा होंगे, जो मैंने यहाँ पे आपको नेवी ब्लू कलर से हाईलाइट कर रही हूँ, ये क्या बना रही हूँ, ये है हुक, इसको हम हेम्यूलस बोलते हैं, यही इंटरलॉक करते हैं परों को आपस में, ठीक है। और साथ में आप ये देख सकते हैं कि बार्ब्यूल्स के मिड में क्या है, बाप। तो डिफरेंट तरह के आपने फेदर्स देखे हैं, ठीक है, इसमें डाउन फेदर्स जब वो हैच हो जाते हैं चूजे वगैरह जब निकलते हैं तो वो शुरू में जो पतले पतले से पर फर होती है उसको डाउन फेदर्स बोलते हैं, उसकी ये शेप होगी। फिर नेक्स्ट सी में आप देख लें कंटोर फेदर्स जो हैं वो ये होते हैं, जिसको आप ऊपर एग्जाम्पल भी देखिए ना आपने, कंटोर फेदर्स हैं ये भी।
और दूसरे आपने कौन से फेदर पढ़े हैं? फिलो प्लूम, यानी कि ये जो फेदर्स होते हैं इनकी जो बेस होती है उसके ऊपर नर्व एंडिंग्स होती हैं, ठीक है, इनके साथ एसोसिएट होती हैं और ये आपके पास सेंसरी स्ट्रक्चर्स का काम परफॉर्म करें। अब मैं थोड़ा सा ड्रॉ करके आपको बताना चाहूँगी दोबारा से इसी को, ताकि आपका एक दफ़ा रिविजन भी हो जाए। मेन जो है आपके पास फेदर की एक मिड रिब सी है, जिसका स्टार्ट का पोर्शन क्विल कहलाता है, ऊपर वाला शेफ्ट, ठीक है, इसके अंदर से ब्रांचिंग हो रही है और ये ब्रांचेस क्या कहलाती हैं? बार्ब्स, ठीक है। शेफ्ट में से क्या निकल रही है जी? बार्ब्स, ये बार्ब्स हो गए। अब बार्ब्स के अंदर से क्या चीज़ निकल रही है येलो कलर की? बार्ब्यूल्स। बार्ब से क्या निकल रही है जी? बार्ब्यूल्स। और इन बार्ब्यूल्स के अंदर से आपके पास से जी, तो थोड़ा सा बेटे ये कलर का चेंज की वजह से प्रॉब्लम हो गई थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेन जो मिड में है, चलें एंड पे हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले आप देखें मेन ब्लैक लाइन आपको नज़र आ रही है, फिर येलो ब्रांचिंग होगी, फिर येलो की स्काई ब्लू कलर की, और उसकी एंड पे डार्क ब्लू कलर की आपके पास हुक्स आ गए, ठीक है। तब इसकी नेम कर लेते हैं। ये स्टार्ट में, शुरू में क्या है जी? नीचे, सबसे नीचे ब्लैक का जो स्टार्ट का पोर्शन है, क्विल या कैलमस, ठीक है। उसके बाद फिर ये जो मेन शेफ्ट आ जाती है, जिसको हम रैकेस भी कहते हैं, इसमें से जो येलो ब्रांचिंग है वो क्या है आपके पास? ये सारी ये बार्ब्स है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो इसमें से स्काई ग्रीन स्काई ब्लू कलर की जो ब्रांचिंग हो जाती है, री ब्रांचिंग हो रही है बल्कि, इसको हम क्या कहते हैं? बार्ब्यूल्स। और ये जो आपको ब्लू कलर के नज़र आ रहे हैं, दीज आर कॉल्ड हुक्स या हेमुलस, जो इसको आपस में इनक्लोज कर देते हैं। दैट वॉज ऑल अबाउट द एनाटमी ऑफ द सिलेक्टिंग सिलेक्टेड फेदर टाइप्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। जी, तो बेटे जो स्केलेटन होता है, ज़्यादातर बोन्स जो बर्ड्स की होती हैं, फ्लाइट करना होता है तो लाइट वेट होती हैं, ठीक है, एयर स्पेसिस होती हैं, लेकिन फिर भी ये स्ट्रॉन्गर होती हैं। कुछ बोन्स जो हैं लाइक फोर आर्म की जो बोन है, ह्यूमरस, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी लार्ज एयर स्पेसिस मौजूद होती हैं जो कि इंटरनल स्ट्रटिंग का बायस बनती हैं, ठीक है। री इन्फोर्समेंट होती है, इसमें बोनी बार्स मौजूद होती हैं, ठीक है, जाली सी आप इसको कह सकते हैं, जो कि इंक्रीज़ करती है स्ट्रेंथ को। तो इंजीनियर ने अल्लाह ताला की इस कुदरती कारीगरी को देख के ही बहुत सारे डिज़ाइन ऐसे बनाए हैं, और उन्होंने ये बात समझ ली है कि कोई भी जो स्ट्रक्चर होगा वो अंदर से अगर वो सॉलिड भी हो, भरा हुआ हो, तो वो इतना स्ट्रांग नहीं होगा जितना कि स्ट्रटेड गर्डर जो है वो होता है। ये आप फिगर में देख सकते हो, ये अंदर से आपको आपको ब्रांचिंग नज़र आ रही है, ये ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है, ये ज़्यादा स्ट्रांग है एज़ कम्पेयर टू ये पूरा भरा हुआ हो उसकी नस्बत। तो ये अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी कारीगरी है जो कि इंजीनियर्स भी जिसे सबक लेके बिल्डिंग्स और बाकी चीज़ें बनाते हैं। एनीवेज, नेक्स्ट मूव टू द स्कल बोन्स। स्कल बोन्स जो हैं, क्योंकि बर्ड्स ने अपनी रिड्यूस करनी है बोन्स, अगर उनका वेट लाइटर हो सके तो उनकी जो स्कल बोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस, उनके अंदर बोन्स होती हैं, कम बोन्स होती हैं और लाइटर होता है। और इसके अलावा उनके पास एक लाइटर और केराटिनाइज्ड शीट, जिसको हम चोंच कहते हैं, बिल मौजूद होती है जो दांतों को रिप्लेस करती है। दांत ज़्यादा वज़नी होते हैं, तो इस वजह से अल्लाह ताला ने यहाँ पर बीक लगा दी। फिर इसके अलावा जो लाइट वेट बोन्स होती हैं, वो फ्लाइट के लिए तो ज़रूरी होती हैं, लेकिन जो आपके पास कुछ बर्ड्स हैं लाइक एक्वाटिक बर्ड, लून्स वगैरह हो गए, वहाँ पे बोन्स जो हैं डेंस होती हैं, ताकि वो रिड्यूस कर सके बायंसी ड्यूरिंग द डाइविंग, वरना वो होता लगाएंगे तो नीचे तो जा नहीं सकेंगी, उनकी बोन लाइट वेट होंगी तो एकदम से ऊपर आ जाएंगी, तो कुछ मछली का शिकार या और चीज़ें नहीं कर सकेंगी। तो दैट इज़ वाई वहाँ पर उनकी बोन्स डेंस होती हैं। अब हम देख लेते हैं अपेंडिजेस को। अपेंडिजेस जो हैं, अब दो तरह के ना, फोर अपेंडिजेस एंड हाइंड अपेंडिजेस, फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स। तो वो अपेंडिजेस जो कि फ्लाइट में इन्वॉल्व होते हैं, कौन से होंगे? फोर आर्म्स, ठीक है, वो आपके पास नेस्टिंग या बच्चों को फीडिंग वगैरह का काम नहीं कर पाएंगे। तो ये काम फिर कौन करेगा? चोंच, बिल, ठीक है, लॉन्ग फ्लेक्सिबल नेक और जो फीट वगैरह हैं, पंजे, ये जो तीन चीज़ें हैं, इनसे ये क्या करते हैं आपके पास नेस्टिंग मटेरियल भी इकट्ठे करते हैं, घोंसला वगैरह बनाते हैं, बच्चों को उनकी परवरिश वगैरह भी करते हैं। और इसके अलावा जो सर्विकल वर्टीब्रीज हैं, वो सैडल शेप होती हैं और आर्टिकुलर फंक्शन प्रोवाइड करती हैं और सरफेस प्रोवाइड करती हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आसानी से गर्दन घूम सकती है। खासकर जो इसकी पहली वर्टीब्री है एटलस, उसके अंदर एक ही आर्टिकुलेशन का पॉइंट है स्कल के साथ, ऑसिपिटल कॉन्डाइलस का सिंगल है, जिसकी वजह से गर्दन आराम से वो रोटेट करके मूव कर सकते हैं, ठीक है, स्कल और जो उनकी नेक है वो इजीली रोटेशनल मूवमेंट शो करती है। ये आपने करेक्टर कहीं और भी पढ़ा है अगर आप याद करें तो, एग्जैक्टली रेप्टाइल्स के अंदर। तो ये एक और करेक्टर है जो इसको रेप्टिलियन नेचर शो करता है बर्ड्स की। अब आप नोट करते जा रहे हैं ना बर्ड्स को मॉडर्न डायनासोर्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे करेक्टर्स जो हैं वो आपके पास वक्तन फ़वक्तन हर पैराग्राफ या दो पैराग्राफ के बाद एक करेक्टर कोई ना कोई आ जाता है जो कि रेप्टाइल से मैच करता है, ठीक है। इसके बाद जो फ्लेक्सिबिलिटी है आपके पास, इस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से, चोंच और गर्दन की इतनी ज़बरदस्त फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से, इसको हम अक्सर औकात फिफ्थ अपेंडेज भी कहते हैं, पाँचवा जो है ना इसका अपेंडेज भी कहा जाता है, ठीक है।
जी, तो अब आ जाते हैं पेल्विक गर्डल, वर्टिब्रल कॉलम और रिब्स की तरफ। ये भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं फॉर द फ्लाइट। और आप थोरेसिक रीजन को अगर देखें तो थोरेसिक रीजन जो होता है वर्टिब्रल कॉलम का, उसके अंदर आपके पास जो रिब्स अटैच होती हैं और थोरेसिक वर्टिब्री के साथ, तो आपके पास पोस्टीरियर पोजिशन में उसकी डायरेक्शन होती है। उंसिनेट प्रोसेसेस मौजूद होते हैं जो कि ओवरलैप करते हैं। उंसिनेट प्रोसेस यानी कि जो रिब्स और उसको कनेक्ट करते हैं वर्टिब्री को, ठीक है, और उसको वो स्ट्रेंथ देते हैं रिब केज को। यही आपके पास जो उंसिनेट प्रोसेसेस हैं ये प्रेजेंट होते हैं इन रेप्टाइल्स एज वेल, जिसकी वजह से हम सेम अगेन कहेंगे कि इन दोनों की इंसेस्ट्री सेम थी। अब हम बात कर लेते हैं एक और टर्म यहाँ पे आपके पास है, सिंसेक्रम। सिंसेक्रम कैसे बनता है? जो आपके पास रीजन्स होते हैं थोरेसिक वर्टिब्री, पोस्टीरियर थोरेसिक, ठीक है, पोस्टीरियर थोरेसिक वर्टिब्री, साथ में लंबर, नीचे वाला जो पोर्शन जो होगा पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द थोरेसिक रीजन इज कॉल्ड लंबर, ठीक है। तो थोरेसिक वर्टिब्री का पोस्टीरियर पार्ट प्लस लंबर पूरे का पूरा, सैक्रल वर्टिब्रीज और एंटीरियर कॉर्डल वर्टिब्रीज, ठीक है। पोस्टीरियर कौन सी? पोस्टीरियर थोरेसिक वर्टिब्रीज और लंबर वर्टिब्रीज, सैक्रल वर्टिब्री एंड एंटीरियर सिर्फ ऊपर वाली क्वार्टल वर्टिब्री, ये चारों चीज़ें मिलके बनाती हैं सिंसेक्रम। इनकी जो फ्यूजन होती है ये हेल्प करती है प्रॉपर फ्लाइट पोस्चर के अंदर और सपोर्ट करती है हाइंड अपेंडेजेस को जब वो लैंड कर रहा होता है, हॉप कर रहा होता है, वॉक कर रहा होता है, जंपिंग वॉकिंग वगैरह में। और जो कुछ आपके पास वर्टिब्रीज रहेगी, तो देखिए लास्ट में फोर्थ जो ऊपर पॉइंट है उसमें इंटीरियर कॉर्डल वर्टिब्री है, तो व्हाट अबाउट द पोस्टीरियर कॉर्डल वर्टिब्री? तो पोस्टीरियर कॉर्डल वर्टिब्रीज जो है वो फ्यूज होकर बना देती हैं पाइगोस्टाइल। पाइगोस्टाइल जो आपके पास होता है वो सपोर्ट करता है टेल को, दुम को, ठीक है, क्योंकि आपको पता है दुम की मदद से ही वो अपना मोड़ काटना या मुड़ना, बर्ड्स ऐसे ही स्टीरिंग करते हैं, वो स्टीरिंग में हेल्प करती है पाइगोस्टाइल। अब हम देख लेते हैं स्टर्नम। स्टर्नम जो है मोस्टली बर्ड्स का वो लार्ज होता है, बड़ा होता है और मीडियन उसके अंदर कील बोट शेप जो होती है वो मौजूद होती है जिसके साथ फ्लाइट मसल अटैच होते हैं, ठीक है। कुछ बर्ड्स के अंदर मौजूद नहीं है, ठीक है, लाइक जो फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं लाइक ऑस्ट्रिच वगैरह, ठीक है। इसके अलावा कील जो है ना आपके पास एक्सियल स्केलेटन के साथ कैसे अटैच करती है? विद द हेल्प ऑफ क्लेविकल्स। क्लेविकल्स जो होती हैं यहाँ पर वो मीडियली फ्यूज़ कर जाती हैं और बना देती हैं विश बोन, जिसको आप फर्क्यूला भी कहते हैं। आप अपेंडेजेस का जिक्र कर लेते हैं बेटे। अपेंडेजेस जो होते हैं बर्ड्स के वो मॉडिफाइड हैं, लाइक इसमें आप देख सकते हैं जो आपके फ्रंट अपेंडेजेस बर्ड्स के होते हैं वो आपके पास ज़्यादातर उसके अंदर जो बोन्स होती हैं या तो वो फ्यूज़ हो जाती हैं या वो लॉस हो जाती हैं, कम आपको बोन्स इसमें मिलेंगी। और ये अटैचमेंट के पॉइंट के तौर पर एक्ट करती हैं फॉर फ्लाइट फेदर्स एज वेल। पर देखे ना परिंदों के, उसके अंदर फेदर्स भी लगे हुए होते हैं ना, ठीक है। और ये तो आपके पास हो गया फ्रंट अपेंडेज, बट अबाउट दी रियर अपेंडेजेस या हाइंड लिम्ब्स, तो वो आपके पास यूज़ होती हैं फॉर हॉपिंग, जंपिंग, वॉकिंग, रनिंग, पर्चिंग। अब ये पर्चिंग बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। पर्चिंग यानी किसी भी शाख के ऊपर, टहनी के ऊपर, बारीक डंडी के ऊपर बैठना। बर्ड्स कितने आराम से बैठ जाते हैं, गिरते भी नहीं हैं, ठीक है, कि इवन नींद के दौरान भी वो सोते भी ऐसे ही हैं। तो ये पर्चिंग जो है ना कैसे होती है? पर्चिंग बेसिकली बेटे, पर्चिंग टेंडन्स मौजूद होते हैं जो कि उनकी टो से होते हुए उनकी बैक ऑफ द एंकल जॉइंट तक चले जाते हैं, लोअर लेग जो होती है वहाँ तक। अब जो टेंडन्स आपको पता है ना इलास्टिक इन नेचर होते हैं, तो जब इनकी एंकल जॉइंट जो होता है वो फ्लेक्स हालत में मौजूद होता है, ठीक है, जब वो लैंड करते हैं किसी भी पर्च के ऊपर, जब कोई परिंदा लैंड करता है तो उनकी जो एंकल जॉइंट होता है वो फ्लेक्स हो जाता है। उस फ्लेक्शन की वजह से टेंशन क्रिएट हो जाती है पर्चिंग टेंडन्स के अंदर, ठीक है। जब वो पर्चिंग टेंडन के अंदर वो फ्लेक्शन वो टेंशन इंक्रीज जब हो जाती है, जिसकी वजह से उसका जो फुट है वो खिंच जाता है और उसकी पक्की टाइट ग्रिप बन जाती है किसी भी डंडी या किसी पर्च के ऊपर से लैंड करना है उसके गिर। अब ये जो ग्रिप होती है ये ऑटोमेटिक होती है, इतनी ऑटोमेटिक होती है मतलब जब परिंदा सीधा खड़ा होगा ना तो किसी न किसी डंडी के ऊपर, तो अल्टीमेटली उसके जो पंजे हैं उसके नीचे जो पट्टे हैं या जो टेंडन्स हैं वो खींचेंगे और वो एक लॉक बना लेगा, हुक सी बना लेगा और वो सीधा उस पर खड़ा होगा। इवन वो सोए हुए भी होते हैं तो भी वो कुदरती तौर पर ऑटोमेटिक ग्रैस्प कर लेते हैं उसको। इसके अलावा जो मसल्स होते हैं आपके पास लोअर लेग के, समटाइम वो इंक्रीज़ भी करते हैं टेंशन टेंडन्स के ऊपर खास सिचुएशंस में, खासकर जब आप देखें ईगल्स वगैरह जो हैं वो कोई मछली वगैरह अपने पंजों में पकड़ लें या कोई भी परिंदा वगैरह किसी और छोटे परिंदे को पकड़ लें या खरगोश को भी वन उठा के लेके जा सकते हैं, तो वो अपने पंजों में उनकी जो टांग होती है अपने टांग के जो पट्टे हैं उनको मज़ीद खिंचाव डालते हैं, जिसकी वजह से वो उनका जो पंजा है वो मज़ीद स्ट्रांगली उसको पकड़ लेता है, ठीक है जी।
अब हम आ जाते हैं मसल्स की तरफ। मसल्स जो हैं आपके पास बर्ड्स के अंदर जो लार्जेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स हैं बर्ड्स के, वो फ्लाइट मसल्स हैं, ऑब्वियसली वो फ्लाइट में हिस्सा लेंगे। और आपके पास ये अटैच होते हैं विद स्टर्नम, स्टर्नम के बाद क्लेविकल्स, क्लेविकल से रन होते हुए कहाँ जाते हैं ह्यूमरस में, फोर आर्म की जो क्या पास सबसे बड़ी जो बोन है फोर आर्म्स की, वहाँ पे चले जाएंगे। अच्छा, अब ये अटैचमेंट साइट इनकी होगी। अब ये मसल्स जो हैं वो फिजियोलॉजिकली फ्लाइट के लिए अडेप्ट हुए हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं बहुत जल्दी और थकते बहुत आहिस्ता आहिस्ता, फटीग इसमें बहुत कम होती है। अब परिंदा कोई ऊपर उड़ता उड़ता थक जाए वहीं से ठा करके नीचे गिर जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो अल्लाह ने इनकी क्वालिटी रखी है। और आप एक और चीज़ देखिएगा, जितने भी जो ऊंचा उड़ने वाले परिंदे होते हैं वो इतनी आसानी से नहीं गलते, क्योंकि पट्ठे इतने स्ट्रांग होते हैं कि उनको गलने में टाइम चाहिए होता है। ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं। ये मसल्स जो हैं क्यों देर से थकते हैं? क्योंकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में, बड़ी तादाद में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो कि लार्ज क्वांटिटी सोसाइटी में प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे फटीग नहीं होती। आपको पता है फटीग क्या होती है? एटीपी का लॉस जो होता है जिसके नतीजे में लैक्टिक एसिड, वो याद आया आपको फटीग वाला मसल, फटीग जो पढ़ाया था? ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि यहाँ पे एटीपी बहुत ज़्यादा है तो मसल फटीग का चांस नहीं है। ठीक है जी, यही वजह है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन भी बड़े आसानी से कर लेते हैं, कई कई हज़ार किलोमीटर का सफ़र आराम से कर लेते हैं। देन आपके पास जो घरेलू मुर्गियाँ वगैरह हम पालते हैं, खासकर मुर्गा वाला डोमेस्टिक फाउल वगैरह, क्यों हम पाला जाता है? क्योंकि अपने गोश्त की वजह से, वाइट मीट की वजह से ना। ठीक है, वाइट मीट इंसान को बहुत पसंद होता है, तो वाइट मीट पेटे एक्चुअली वो फ्लाइट के लिए बेस्ट नहीं है, वो उड़ने के लिए बेस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें फाइबर तो बहुत ज़्यादा है, गोश्त है ना बड़ी ज़्यादा अमाउंट में, फाइबर बहुत है, लेकिन इसमें किस चीज़ की कमी होगी? इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया बहुत कम होंगे। ठीक है, और इसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन कम होगी, वेस्कुलराइजेशन कम होगी, जिसकी वजह से ब्लड नहीं पहुंच पाएगा पट्ठों को, माइटोकॉन्ड्रिया भी कम है, तो ये उड़ सकेंगे? बिल्कुल भी नहीं उड़ सकेंगे। ठीक है, तो ये उड़ने में हेल्पफुल नहीं होता ये जो वाइट मीट है इनका। जी तो बेटे, स्केलेटन पढ़ने के बाद थोड़ा सा इसको अब देख भी लें ताकि आपको कुछ समझ आ जाए। सबसे पहले हमने देखा था कि एटलस और एक्सिस जो है इसकी मूवमेंट में हेल्प करता है, हेड को और जो इसकी नेक है फ्री मूवमेंट हो सकती है। फिर उसके बाद बेटे आप ये देख सकते हैं, ये फर्क्यूला है जो कि विश बोन है क्लेविकल के फ्यूजन से मिलकर बना है। फिर आपको यहाँ पे कील नज़र आ रही है बहुत बड़ी सी, के साथ ऊपर आपको स्टर्नम दिखाई दे रही है। इसके बाद आपने उनसिनेट प्रोसेस देखे हैं, ये बड़े हुए आपको हुक्स टाइप नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये आपको रेप्टाइल्स में भी नज़र आए थे। अब हम बेटे देख लेते हैं आपके पास फोर आर्म आप देखें, इसमें बोन्स बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गई हैं और फ्यूज़ हो गई हैं, जो कि आपको फ्लाइट में हेल्प आउट करेंगी बर्ड्स में। उसके बाद फिर आप यहाँ पे देख सकते हो पाइगो स्टाइल जो है ना टेल को सपोर्ट करता है और स्टेयरिंग में हेल्प आउट करता है। फिर आप यहाँ पे पर्चिंग टेंडन्स को देख लें ज़रा, पर्चिंग टेंडन्स जो हैं अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टो से लेके ऊपर प्रॉपर इसको जो इसकी है एंकल, तो वहाँ तक जा रहे हैं। अभी जैसे ही खिंचाव पैदा होता है, ठीक है, तो ये आपके जो पाँव मतलब बर्ड के जो पंजा है ये अब मूव डाउन कर जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पर्च है, पर्च के ऊपर अब ये देख सकते हैं ये इसके पूरा फुट जो है ना ये मूव कर जाएगा, उसके गिर्द उसको होल्ड कर लेगा। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ बर्ड पर्च, और ये फिर उनको वहाँ पे इवन वो स्लीप के अंदर भी उसको पकड़े रखते हैं, सीधे हालत में बैठे रहते हैं, ऑटोमेटिक होता है ड्यू टू दैट टेंडन्स। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ रह गई है, ये जो आप देख सकते हैं इलियम, ईस्टियम, प्यूबस और ये सारी चीज़ें जो कॉर्डल वर्टीब्रा, ये फ्यूज़ होकर इसने एक स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर दी, जिसकी वजह से जो हाइंड लिम्स हैं वो आराम से जंपिंग, रनिंग, हॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, दैट वाज ऑल अबाउट द स्केलेटन। स्केलेटन अपने इंपॉर्टेंट देखने, वर्टीब्रेट के जो स्केलेटन है ये आपके पेपर्स में आते हैं। ठीक है, अभी तक आपने सिर्फ फ्रॉग का देखा था एफएससी में, तो आपके रेप्टाइल्स के भी पड़े हुए हैं जो है आपके पास, यहाँ पे आपको मिल जाएगा टर्टल का भी मिल जाएगा। ठीक है, स्नैक्स का भी है, लिजर्ड्स का भी है, और इसके अलावा जो बर्ड्स हैं फाउल वगैरह, तो ये काफ़ी सारे स्केलेटन्स आपके, फ़िश का भी है। ठीक है, तो आगे मैमल्स के भी होंगे। तो ये जो सारी चीज़ें ना बेटे, स्केलेटन आपके बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और ये नोट डाउन करने हैं कि किस फैमिली के, किस ग्रुप के अंदर किस तरह की मॉडिफिकेशन है, और फिर साथ में उसकी अडेप्टेशन। तो स्केलेटन आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको आपने करना है। ठीक है, ये पेपर बी में भी आपको, जब हम डिफरेंट स्केलेटन कंपेयर करोगे सपोर्ट एंड मूवमेंट वाले में, उसमें भी आपको हेल्प आउट करेगा, और अभी भी आप पढ़ रहे हो तो बार बार चीज़ें रिपीट हो रही हैं फोर्थ में। ठीक है, तो अब आपने चीज़ों को रिलेट करना देखना है, और यही चीज़ आपके प्रैक्टिकल में भी आनी है। तो अब देख लेते हैं फ्लाइट के कैसे मैकेनिज्म्स हैं बर्ड में। विंग्स ऑफ द बर्ड्स जो हैं वो अडेप्टेड होते हैं फॉर वेरियस काइंड ऑफ द फ्लाइट। ठीक है, वो कोई भी फ्लाइट हो सकती है, वो आपके पास बर्ड्स सोअर करते हैं, ग्लाइड करते हैं, रैपिड फ्लैपिंग करते हैं। ठीक है, किसी भी किसी तरह की फ्लाइट हो सकती है।
तो लेकिन उन्होंने रहना तो ऊपर ही होता है, ठीक है। तो आपके पास बर्ड्स की जो विंग्स हैं वो एक्ट करते हैं एज एरोफॉइल किसी भी तरह की फ्लाइट की टाइप के अंदर, ठीक है। अब होता क्या है कि जो इंटीरियर मार्जिन होता है विंग का, वो थोड़ा सा मोटा होता है, ठीक है। पोस्टीरियर मार्जिन, पोस्टीरियर पतला होता है, इंटीरियर मोटा होता है, ठीक है। जैसे आपको फिगर भी ब्लू कलर का नज़र भी आ रहा है, ठीक है। अब होता क्या है कि अपर सरफेस जो विंग का होता है वो स्लाइटली कन्वेक्स होता है और लोअर सरफेस जो होता है कनकेव होता है, ठीक है। और एयर जो होती है वो पास करती है आपके पास अपर सरफेस से, ठीक है, बहुत ज़्यादा दूर तक जाती है और फास्टर ट्रेवल करती है एज़ कम्पेयर टू द लोअर, ठीक है। जिसकी वजह से अपर सरफेस में तेज़ी की वजह से हवा जाने की वजह से वहाँ पे एयर का प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है, और नीचे प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से आपके पास एक लिफ्ट जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। ऊपर प्रेशर कम हो गया तेज़ी से हवा गुजरने की वजह से, नीचे प्रेशर ज़्यादा हो गया, इसकी वजह से अपलिफ्ट एक उठान की सी कैफियत आती है। ये जो लिफ्ट होती है विंग्स की, ये क्रिएट कर देती है आपके पास एक अपलिफ्ट, यानी कि जो लिफ्ट है वो ऊपर उठाएगी ना उसको, लेकिन तब ऊपर उठाएगी जब उसका जो लिफ्ट है उसका वजन जो है, सॉरी उसकी जो पावर है वो ज़्यादा हो जाए बर्ड के वजन से, तभी, अदरवाइज नहीं वो परिंदा ऊपर उड़ पाएगा। अब क्या होता है कि आपके पास, और दूसरी चीज़ क्या है, जो फोर्सेस होती, एक तो ऊपर उठाना है परिंदे को, दूसरा आगे मूव करना है ना परिंदे ने, ठीक है। तो क्या होगा, वहीं पे नहीं खड़ा रहता हमेशा परिंदा, मूव करता है। दूसरा क्या है कि जो फोर्सेस प्रोपेल करती हैं परिंदे को, जब वो आगे की तरफ मूव करता है तो अपोज करती हैं उसको, वो वाली फोर्सेस भी ओवरकम होनी चाहिए, ठीक है जी, जिसमें बर्ड मूव कर रहा है। अच्छा, अब क्या है कि आपके पास अगर तो एंगल जो है वो लीडिंग एज का वो इंक्रीज होता है, ठीक है। एंगल क्या है, लीडिंग एज का इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से विंग जो होता है वो आने वाली जो हवा होती है उसको फिर इंक्रीज करता है लिफ्ट को, ठीक है। क्या है कि इंक्रीजिंग द एंगल दैट द लीडिंग एज ऑफ द विंग मेक्स, यानी कि लीडिंग एज जो है, जो मोटा वाला एज है जो वो एंगल बनाता है, किसके साथ बनाता है, जो ऑन कमिंग एयर है, जो हवा आ रही है उसके साथ पर का जो एंगल है उसको हम कौन सा एंगल कहेंगे, एंगल ऑफ अटैक, ठीक है। आपके पास अगर वो एंगल इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है, तो लिफ्ट भी क्या होगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है। अब क्या है, एज द एंगल ऑफ अटैक इंक्रीजेस हावर जो फ्लो होता है एयर का ओवर द सरफेस वो टर्बुलेंट हो जाएगा, होता है इसी, पता है एंगल इंक्रीज हो रहा है तो जो फ्लो है उसमें चेंजेस आएंगी, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। जब वो डिस्टर्ब होगा जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, लिफ्ट रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी। एंगल इंक्रीज करने से थोड़ी टाइम के लिए तो लिफ्ट इंक्रीज होती है, लेकिन उसके नतीजे में ऊपर टर्बुलेंस आती है जिसकी वजह से लिफ्ट दोबारा डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। अब ये जो टर्बुलेंस है ये कैसे रिड्यूस होती है, ये टर्बुलेंस तब रिड्यूस हो सकती है कि जब आपके पास इस टर्बुलेंट एयर को स्लॉट्स में से गुजारा जाए, यानी प्लेन सरफेस में से ना गुजारा जाए, स्लॉट्स में से गुजारा जाए। तो यहाँ पे जो स्लॉट्स क्रिएट होती हैं वो एल्यूला क्रिएट करता है, ठीक है। और जो स्लॉट्स जो आपके पास क्रिएट होती है वो कौन क्रिएट करता है, एल्यूला। तो स्लॉटिंग द फेदर्स जो होता है वो विंग टिप्स के ऊपर, वो आपके पास इस टर्बुलेंस को रिड्यूस करेगा। जब टर्बुलेंस रिड्यूस होगी तो लिफ्ट फिर क्या है, इंक्रीज करेगी। तो ये एल्यूला क्या होता है आपके पास। अच्छा, यहाँ पे पहले एक और चीज़ बता दूँ कि दो हमने पॉइंट्स देखे हैं ना, कि आपके पास क्या है कि टर्बुलेंस इंक्रीज होती, एंगल ऑफ अटैक इंक्रीज करने की वजह से टर्बुलेंस इंक्रीज होती है, लिफ्ट जो है अपलिफ्ट नहीं होता, वो डाउन लिफ्ट जाता है, लिफ्ट डिक्रीज हो जाती है। तो लिफ्ट को कैसे इंक्रीज करता है परिंदा, दो तरीकों से। एक तो स्लॉटिंग ऑफ फेदर, यानी फेदर को फैला के उसके अंदर से स्लॉट, थोड़ी सी स्लिट्स बना दे, उसके अंदर से हवा अनडिस्टर्ब गुजर जाए, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका उसके पास ये है, उसको भी ये दोनों को इकट्ठा इस्तेमाल करेगा। दूसरा है एल्यूला। एल्यूला क्या है, ग्रुप ऑफ स्मॉल फेदर्स, ठीक है, जो कि प्रेजेंट होते हैं बोन्स ऑफ द डिजिट सपोर्ट, यानी कि मीडियल डिजिट जो होती है उसके ऊपर जो फेदर्स होते हैं उसको हम एल्यूला कहते हैं। और आपके पास ड्यूरिंग द टेक ऑफ, अब दो तरह की फ्लाइट्स का हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ड्यूरिंग टेक ऑफ, लैंडिंग एंड होवरिंग, ये एक टाइप है, यानी जब टेक ऑफ कर रहा हो, लैंड कर रहा हो, या होवरिंग फ्लाइट हो, एक तो ये टाइप है, इसके दौरान क्या होगा। और दूसरी फ्लाइट जो है आपके पास वो है फास्ट फ्लाइट या सोरिंग, ठीक है, उसके दौरान क्या होगा। तो पहले देख लेते हैं टेक ऑफ, लैंडिंग एंड होवरिंग फ्लाइट में क्या होता है। एंगल ऑफ जो अटैक है वो इंक्रीज करता है, ठीक है, जिसकी वजह से एल्यूला क्या करेगा, एलिवेट करेगा, फैलेगा। जितना एंगल इंक्रीज करेगा उतनी टर्बुलेंस ज़्यादा होगी, उस टर्बुलेंस को ब्रेक करने के लिए एल्यूला उतना ही स्प्रेड करके फैलेगा ताकि हवा इजीली उसमें से मूव कर जाए और अपलिफ्ट बरकरार रहे। दूसरा क्या है, दूसरा आपके पास है सोरिंग या फास्ट फ्लाइट, तेज उड़ना। वहाँ पे एंगल ऑफ अटैक डिक्रीज करता है,
ठीक है, और स्लॉट भी वहाँ पे क्या होती है, रिड्यूस होती है। समझ आ रही है ना बात? ठीक है, इसको हम फिगर से भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम डिस्टल पार्ट को पहले देख लेते हैं कि डिस्टल पार्ट जो होता है विंग्स का, एक होता है प्रॉक्सिमल पार्ट, एक होता है डिस्टल। प्रॉक्सिमल पार्ट यानी कि जो जहाँ पर शोल्डर की अटैचमेंट है उसके विंग की जो करीब वाला हिस्सा होगा वो प्रॉक्सिमल होगा, डिस्टल यानी दूर वाला हिस्सा जो होगा उसकी बॉडी से दूर वाला हिस्सा, तो प्रॉक्सिमल पार्ट सॉरी डिस्टल पार्ट वो होगा। तो डिस्टल पार्ट जो है आपके पास वो विंग का वो जनरेट करता है मोस्ट ऑफ द प्रोपल्सिव फोर्सेस ऑफ लाइट, क्योंकि पर पड़ाता है ना, तो दूर वाला हिस्सा पर पड़ेगा या नज़दीक वाला, ठीक है, तो वो आपको हेल्प करेगा फोर्सफुल फ्लाइट के अंदर। और इसकी वजह ये है कि जो फार्दर होता है वो शोल्डर जॉइंट से, जिसकी वजह से डिस्टल पार्ट जो है मूव कर सकता है ज़्यादा फार्दर दूर तक, फैल सकता है और ज़्यादा फास्टर मूव कर सकता है एज़ कम्पेयर टू प्रॉक्सिमल पार्ट। जो बॉडी से करीब पार्ट है वो तो उतना दूर तक नहीं जा सकता ना, ना ही वो उतना आराम से प्रोपेल हो सकता है, ठीक है। अब क्या है, डाउनवर्ड स्ट्रोक जो होता है जिसको पावरफुल स्ट्रोक भी कहते हैं, तो उसमें क्या होता है, द लीडिंग एज जो होता है आपके पास ऑफ द डिस्टल पार्ट, इसका डिस्टल पार्ट का जो लीडिंग एज होता है यानी मोटे वाला जो हिस्सा होता है विंग का, वो क्या कहते हैं, वो ओरिएंटेड होता है स्लाइटली डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ उसको झुका हुआ होता है, ठीक है, और जिसकी वजह से क्या होती है, थ्रस्ट जो है वो इंक्रीज होती है या वो एक थ्रस्ट पैदा करता है, ठीक है, जो कि बिल्कुल एनालॉगस होती है टू द थ्रस्ट जो कि एरोप्लेन के जो आपके पास प्रोपेलर्स होते हैं ना जो प्रोपेल करते हैं, वो बिल्कुल वैसी थ्रस्ट प्रोड्यूस होती है। यहाँ पे थोड़ा सा इसको फिगर को देख लेते हैं पहले, जो ऊपर मैंने आपको चीज़ें पढ़ाई हैं उसके बाद फिर हम नेक्स्ट आगे मूव करते हैं जी। तो बेटे फिगर ए में देखें आप, सबसे पहले तो आप इसको मैं आपको एरोफोल का स्ट्रक्चर बता देती हूँ। एयरफोल ये इस तरह का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसमें क्या है बेटे, जो इसमें आपके पास ये मोटा वाला इसका एज है, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है, एंटीरियर मार्जिन थिकर है और ये इसका पोस्टीरियर मार्जिन जो है ना ये आपके पास थोड़ा सा कम थिकर है एज कम्पेयर टू दैट डिफाइन। अच्छा, अब क्या है, इसका अपर पोर्शन जो है वो क्या है, स्लाइटली क्या है, कन्वेक्स है, और लोअर पोर्शन जो क्या है वो स्लाइटली कनकेव है। अब ये स्ट्रक्चर समझ आ गया ना आपको एरोफॉइल का। अब इसमें इसकी मूवमेंट की वजह से एयर कैसे मूव करेगी अब वो देख लेते हैं जी। तो बेटे अब इसको समझने की कोशिश करें, यहाँ पर क्या होता है कि ये आप देख सकते हैं एंगल ऑफ अटैक है, यानी जो इसका इंटीरियर मोटा सा पोर्शन जो है पर का, वो जो आपके पास हवा के साथ जो उसका एंगल बनता चला जा रहा है, ठीक है, वो आपके पास क्या है, वो एंगल ऑफ अटैक है। अब क्या है, अब जून जून इसका एंगल बढ़ता चला जाएगा हमारे पास, ठीक है, ये जब ऊपर की तरफ मूव करेगा तो उसका एंगल क्या करेगा, बढ़ता चला जाएगा। अब जब एंगल इंक्रीज होगा तो ऊपर क्या होगी, टर्बुलेंस क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। पहले देखिए ऊपर आपको स्मूथ एयर गुजरती हुई नजर आ रही थी, अब यहाँ पे ये ब्रेक हो के टर्बुलेंस आ गई है इसमें, उधम समझ गया, ठीक है, फ्लो स्मूथ नहीं रहा, जिसकी वजह से आपके पास जो पहले इंक्रीज कर रही थी अपलिफ्ट, वो अब क्या हो जाएगी, नीचे आ जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। इसको मजीद इंक्रीज करने के लिए अभी आप देख सकते हैं कि ये क्या है, एल्यूला, एल्यूला के अंदर से अब ये जो टर्बुलेंस है ये ब्रेक होके गुजरेगी तो दोबारा से स्मूथ फ्लो हो जाएगा, जिसकी वजह से दोबारा से अपलिफ्ट इंक्रीज कर जाएगी और दोबारा से आराम से ये ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे अब आपने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, एरोफोल का स्ट्रक्चर देख लिया है आपने, एंगल ऑफ अटैक देख लिया आपने, स्लॉटिंग कैसे होती है, एल्यूला क्या होता है, ठीक है, टेक ऑफ और होवरिंग में कैसे एक्ट करता है और सोरिंग में कैसे एक्ट करता है, आपके पास मूवमेंट कैसे होती है, फिर डिस्टल पार्ट ऑफ द विंग कैसे एक्ट करता है, डाउन स्ट्रोक क्या होता है। तो अब हम नेक्स्ट मूव आगे करते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द फ्लाइट। तो बेटे हम पढ़े थे डाउनवर्ड स्ट्रोक यानी डाउन स्ट्रोक या पावर स्ट्रोक, और दूसरा हम पढ़ेंगे रिकवरी स्ट्रोक या अपवर्ड स्ट्रोक। तो डाउनवर्ड स्ट्रोक में क्या होता है कि लीडिंग एज जो होता है डिस्टल पार्ट का विंग का, वो ओरिएंट होता है स्लाइटली डाउनवर्ड्स, की वजह से जो थ्रस्ट होती है वो एनालॉगस हो जाती है एरोप्लेन की जो प्रोपेलर की थ्रस्ट होती है उसके अकॉर्डिंगली। और जो अपवर्ड या अप स्ट्रोक या रिकवरी स्ट्रोक होता है, इसमें डिस्टल पार्ट जो विंग का होता है वो ओरिएंट होता है अपवर्ड्स, ठीक है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस कम होती है। अब जो फेदर्स होते हैं उनका भी रोल है, फेदर्स ऑन द विंग्स जो हैं वो ओवरलैप कर जाते हैं डाउन स्ट्रोक में, ठीक है, जिसकी वजह से एयर जो है ना वो पास करती है फेदर्स से मार्जिन के ऊपर इकट्ठी होके, और जिसकी वजह से कम एयर जो है ना परों के दरमियान में से गुजरती नहीं है, यानी कि दरमियान में से नहीं गुजरती, ऊपर से इकट्ठी होकर गुजरती है, जिसकी वजह से लिफ्ट जो है वो इंक्रीज होती है और प्रोपल्सिव जो फोर्सेज हैं वो भी इंक्रीज होती हैं ड्यू टू द ओवरलैपिंग ऑफ द विंग्स। अब दूसरा क्या होता है कि फेदर्स जो होते हैं वो आपके पास स्लाइटली अलग अलग हो जाते हैं अप स्ट्रोक के दौरान, ठीक है, जिसकी वजह से अलाउ करते हैं वो एयर को कि इनके दरमियान में से एयर होकर गुजरे ऊपर, यानी आप समझे कि
पर इकट्ठे हो जाते हैं ताकि वो बीच में से ना गुजरने पाए एयर, जिसकी वजह से अपलिफ्ट और प्रोपल्सिव फोर्सेज इंक्रीज हो जाए और यहाँ पे वो थोड़े थोड़े अलग हो जाते हैं, फैल जाते हैं ताकि उनके अंदर से हवा गुजरे, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस कम हो, ठीक है, ड्यूरिंग द रिकवरी स्ट्रोक। तो ये दो चीज़ें आपने यहाँ पढ़ ली। अब हम देख सकते हैं, देखते हैं टेल। टेल ऑफ द बर्ड जो होती है वो वैरायटी ऑफ द फंक्शन परफॉर्म करती है, बैलेंसिंग करती है, स्टेयरिंग करती है, ब्रेक का फंक्शन भी परफॉर्म करती है। अब होता क्या है कि अब दो तरह की फ्लाइट्स हम देख लेते हैं कि लो स्पीड फ्लाइट में क्या करती है और हॉरिजॉन्टल फ्लाइट में क्या करती है। तो ये इन्हांस करती है लिफ्ट को जो कि विंग्स प्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग द लो स्पीड। लो स्पीड फ्लाइट में क्या करती है, इन्हांस करती है लिफ्ट को, जो पर जो इन्हांस कर रहे हैं ना, पर जो लिफ्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको ये मज़ीद इंक्रीज करती है लो स्पीड जब होती है। और जो हॉरिजॉन्टल फ्लाइट होती है उस दौरान क्या होती है कि टेल के फैदर फैल जाते हैं, स्प्रेड कर जाते हैं, इसकी वजह से लिफ्ट जो है मज़ीद इंक्रीज होती है रियर एरिया ऑफ दी, जो पिछला एरिया होता है बर्ड का वहाँ पर, जिसकी वजह से हेड जो होता है वो डिप कर जाता है फॉर डिसेंट, ठीक है। इसके अलावा क्लोजिंग टेल फेदर्स जो हैं इनका अपोजिट इफेक्ट होता है इससे। अच्छा, इसके बाद यानी जब परिंदा नीचे उतरेगा तो टेल उसकी फैली भी होगी और जब ऊपर जाएगा तो टेल उसकी फैली भी होगी। टिल्टिंग टेल का मोड़ना जो है ना वो साइड वे बर्ड भी मुड़ जाता है, स्टेयर कर जाता है, ठीक है, और स्टीयरिंग में काम आती है। फिर दूसरा क्या है कि जब बर्ड्स लैंड करते हैं तो इसकी जो टेल होती है वो डिफ्लेक्ट होती है नीचे की तरफ, थोड़ी सी झुकी हुई होती है डाउनवर्ड्स, जिसकी वजह से ये एयर ब्रेक के तौर पर भी काम करती है। तो आपने अब देखें कितने सारे रोल पढ़ लिए हैं इसके, फ़्लाइट के अंदर बैलेंसिंग में रोल पढ़ लिया है आपने और साथ में फ़्लाइट की इंप्रूवमेंट में रोल पढ़ लिया, स्टीयरिंग में पढ़ लिया, ब्रेक के तौर पर पढ़ लिया। तो अब थोड़ा सा इसका रोल हम रिप्रोडक्टिव सक्सेस के अंदर भी देख लेते हैं कि कुछ बर्ड्स हैं आपके पास, लाइक सन बर्ड्स हो गया आपके पास निक्टेरिनिया, और जो कुछ आपके पास विडो बर्ड्स होते हैं यू प्लेक्टिस, इसके अंदर जो टेल होती है उसके अंदर ड्रामेटिक खूबसूरती से मावरा और रास्ता होती है जो कि फीमेल को अट्रैक्ट करती है और रिप्रोडक्टिव सक्सेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इसके अलावा कुछ जो बर्ड्स हैं उनके अंदर एक ही टाइम पे, ठीक है, डिफरेंट बर्ड्स में या एक ही बर्ड में उसकी ज़िंदगी के डिफरेंट टाइम में या डिफरेंट ज़रूरत के मुताबिक डिफरेंट तरह की फ़्लाइट्स हो सकती हैं, डिफरेंट काइंड्स की फ़्लाइट्स हो सकती हैं। लाइक जब वो ग्लाइड करेगा, ग्लाइडिंग फ़्लाइट भी होती है, ठीक है, फ्लैपिंग फ्लाइट भी होती है, सोरिंग फ्लाइट भी होती है। देख लेते हैं ग्लाइडिंग फ्लाइट में क्या होता है कि विंग जो होता है वो स्टेशनरी होता है और बर्ड जो है अपना एल्टीट्यूड जो है ना लूज़ कर देता है, ठीक है। वाटरफॉल जो होता है कमिंग इन फॉर लैंडिंग वो ग्लाइडिंग पर्पज़ का यूज़ करता है कि विंग्स जो हैं वो स्टेशनरी हो जाते हैं एक जगह पर और आहिस्ता आहिस्ता जो परिंदा है वो ऊपर से ऊंचाई से नीचे आना शुरू हो जाता है, तो ये हो गया ग्लाइडिंग। फिर आपके पास दूसरी है फ्लैपिंग फ़्लाइट, इसमें पावर जनरेट होती है फ्लाइट के लिए और ये मोस्ट कॉमन फ्लाइट है जब परिंदा उड़ता है तो ये फ्लैपिंग आपको पता है ना, पड़ फड़फड़ाना, ठीक है। और आपके पास बहुत सारी वेरिएशंस हैं विंग की शेप्स की, उनके फ्लैपिंग के पैटर्न्स की, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि स्पीशी स्पेसिफिक हैं। स्पीड या मनोवरेबिलिटी यानी जिस तरीके से वो पर को मूव करता है, ये जो उसके कर्तव्य हैं हवा के अंदर जैसे उड़ता है, तो ये स्पीशी स्पेसिफिक होता है। और एक और फ्लाइट बताइए मैंने आपको, सोरिंग फ्लाइट, इसमें क्या होता है कि बर्ड्स जो हैं वो हवा में ही रहते हैं, ठीक है, और कम से कम एनर्जी इसमें खर्च करते हैं। और ड्यूरिंग सोरिंग क्या होती है कि विंग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल होते हैं, ठीक है। विंग्स जो हैं वो क्या करते हैं सोरिंग के दौरान, क्या करना है बेटे उसने, कुछ भी नहीं करता, यानी वो स्टेशनरी रहता है आपके पास और बर्ड यूटिलाइज करता है अप ड्राफ्ट्स एंड एयर करंट्स, हवा की जो मूवमेंट है उसको वो करता है अपना एल्टीट्यूड ऊंचा या नीचा करने के लिए। आपने हॉक्स देखे होंगे, वल्चर्स यानी कि उकाब वगैरह और जो गिद्ध वगैरह होते हैं, वो सोरिंग बर्ड्स हैं जो कि फ्रीली जो है ना इर्द गिर्द मौजूद उड़ रहे होते हैं, पहाड़ों के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे होते हैं अक्सर हवाओं में। तो वो उसमें क्या होता है उनके पर मूव नहीं कर रहे थे लेकिन फिर भी कभी भी नीचे जा रहे होते हैं, कभी ऊपर आ रहे होते हैं। तो वो किस तरीके से बेटे करते हैं कि होता क्या है कि वो सोर डाउन करते हैं, नीचे की तरफ आते हैं, ठीक है, ताकि वो पिक कर सकें स्पीड को, ठीक है, और फिर आपके पास वो ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ जाते हैं ताकि वो एल्टीट्यूड गेन कर सकें। जब उन्होंने स्पीड लेनी होती है तो वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से तेज़ी से नीचे आते हैं ना स्पीड आ जाती है, फिर एकदम से जब क्योंकि नीचे अब आ रहे हैं एल्टीट्यूड कम हो रहा है तो एकदम से अपनी जो पोजीशन है वो अप एंड कर लेते हैं, यानी हवा जो ऊपर की तरफ जाती है उससे मूव करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वो उनका फिर एल्टीट्यूड में इजाफा हो जाता है।
फिर अगेन जब आपके पास एल्टीट्यूड जब ऊपर जाते मतलब जब आपके पास जब परिंदा आहिस्ता होना शुरू हो जाता है, उसकी स्पीड कम होती है, तो उसका एल्टीट्यूड भी कम होगा, तो दोबारा से वो नीचे आना शुरू हो जाएंगे। जब वो नीचे आएंगे तो दोबारा क्या होगा, उनकी स्पीड दोबारा बढ़ना शुरू हो जाएगी और उनका फिर एल्टीट्यूड बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये ऐसी इनकी मूवमेंट जारी रहती है। तो आपके पास और इस दौरान जाहिर सी बात है फ्लैप शैप तो उन्होंने कुछ नहीं किया, हवा की मदद से वो ऊपर नीचे जा रहे हैं, तो क्या होती है एनर्जी कम से कम इस्तेमाल होती है। तो जो बहुत सारे सोरर होते हैं बर्ड्स, उनकी जो विंग्स होते हैं वो काफ़ी वाइड होते हैं और आपके पास स्लॉटेड होते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक जो है ना मैक्सिमम मूव्स मिलती हैं, मैनूवरेबिलिटी यानी जो डिफरेंट मूव्स ऊपर नीचे आना जाना जो होता है उसको मूव बोलते हैं, ठीक है। और उसको स्लो स्पीड के ऊपर वो आराम से मूव कर जाते हैं। अच्छा, कुछ जो ओशन के यानी समंदर के किनारे जो सोरिंग बर्ड्स होते हैं, लाइक आपके पास एल्बेट्रॉसेस हैं या आपके पास फ्रिगेट्स हैं, वो उनके पर लंबे होते हैं, ठीक है, और साथ में नैरो होते हैं, पतले होते हैं, तंग होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि मैक्सिमम लिफ्ट जो है ना हाई स्पीड के साथ उनको मिलती है, लेकिन उनकी मैनूवरेबिलिटी यानी कि वो इतने ज़्यादा करतब नहीं दिखा सकते, वो इतने ज़्यादा मूव्स नहीं दिखा सकते, और टेक ऑफ जो है लैंडिंग में कोई इतनी ज़्यादा उनके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है। बस ये है कि उनका फ़ायदा क्या है कि अपलिफ्ट जो है ना उनकी मैक्सिमम हो जाती है हाई स्पीड से। अच्छा, एक और टाइप है आपके पास होवरिंग टाइप। होवरिंग आपने अभी ग्लाइडिंग पढ़ ली है, ठीक है, आपने सोरिंग पढ़ ली है, अब हम होवरिंग को देख लेते हैं। होवरिंग जो है ये हमिंग बर्ड में होती है। इसमें क्या होता है कि परिंदा एक ही जगह सामने स्टिल होता है, लेकिन उसके जो पर होते हैं वो फ्रंट और बैक पे तेज़ी से मूव्स करते हैं, जैसे आपके पास वो पंखे की तरह की यानी कि मूवमेंट होती है उसके आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, ठीक है। तो यहाँ पे होवर होता है, भिनभिनाना जिसको कहते हैं, ठीक है। हवा में एक ही जगह परिंदा रहता है और उसके पर आगे पीछे फैन की तरह आगे पीछे मूव करते हैं बैक एंड फोर्थ। हमिंग बर्ड में ये 50-80 बीट्स पर सेकेंड, इतनी स्पीड में नहीं पर नज़र ही नहीं आएंगे आपको, ठीक है, होता है, मेंटेन करता है ताकि वो फिर फ्लावर के आगे उतनी देर मौजूद रहे और अपनी चोंच से उसके अंदर फीड कर सके, यानी कि उसका जो नेक्टर वगैरह वो सक कर सके। तो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। होपफुली आपको फ्लाइट अच्छे से समझ आ गई होगी। पहले तो आप सिर्फ रिकवरी स्ट्रोक और अपवर्ड और डाउनवर्ड स्ट्रोक ही आप लोगों ने सेकेंड में पढ़ा था, इतनी डिटेल नहीं थी। तो अब डिटेल के साथ डिफरेंट टाइप्स हैं, डिफरेंट तरह की फ़्लाइट्स की काइंड्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा शुरू में फ़्लाइट का जो मैकेनिज्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फेदर्स का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका जो आपने पढ़े हैं स्केलेटन का स्ट्रक्चर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेटा इसको आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि बर्ड्स हैं और बर्ड्स की जैसे हमारे जहन में बर्ड का नाम आता है तो क्या चीज़ आती है, फ़ौरन से फ्लाइट आती है, उड़े परिंदा है तो उड़ेगा, ठीक है। तो फिर ये जो चीज़ें हैं ना उसके अंदर उसका फिर स्केलेटन का भी रोल है और फिर सारी चीज़ें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, और ये वो फीचर आपको किसी कहीं और नहीं मिलता। तो इसको आपने बहुत अच्छे से जो है ना कवर अप करना है। तो इसमें कोई क्वेश्चन अगर आपके हुए जो आपने पूछने हुए तो आप लोग जो इंटरेक्टिव क्लास होती है व्हाट्सएप पर उससे बहुत अच्छे तरीके से आप पूछ सकते हैं। और इसको अच्छे तरीके से आपने याद करना है, इन तमाम छोटे छोटे क्वेश्चंस बना लें इनको, ठीक है। तो कल का दिन जो होगा इंशाल्लाह ताला कल मैंने आप लोगों से वन बाय वन ये सारे क्वेश्चंस सुनने हैं, ऑल्टरनेटिवली पूछूंगी मैं, ऐसा नहीं है कि आप बुक खोल के वहाँ से मुझे जवाब दिए चले जा रहे हैं, ठीक है। ऑल्टरनेटिवली मैं कॉन्सेप्चुअल तरीके से पूछूंगी, हाँ इस तरीके से होगा तो क्या होगा, अगर आपको वो मूव ना एंगल तो ये आपने रेडी रहना, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप आंसर नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड अटेंशन, सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह, नेक्स्ट चैप्टर नहीं, नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।